तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है केपी मॉल ऊपर में और ये बगल में अशोक आइनॉक्स का लोगो लगा हुआ है। ये रहा स्क्रीन। पंकज त्रिपाठी का तो बात ही अलग है यार। तो भाई जी कैसा लगा, मुझे रिव्यू दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग में आप टाइटल थंबनेल देखे तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के ब्लॉग में आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो स्त्री 2 मूवी आया है, स्त्री 2016 में आया था, वो भी हम हॉल में देखे थे। फर्स्ट मूवी था जो हम हॉल में देखे थे, जिसका सेकेंड पार्ट भी हॉल में देखना बनता है गाइस। और 2 दिन में तो 100 करोड़ प्लस कमा लिया है, तो मतलब अच्छी क्वालिटी कॉन्टेंट भी अच्छी है। तो आज चलते हैं देखते हैं और कौन सा सिनेमा हॉल है, वो भी आप लोग टाइटल थंबनेल में देख लिए होंगे। पटना के इस्कॉन टेम्पल के जस्ट बगल में है अशोक आइनॉक्स, उसी में जा रहे हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, सीन दिखाते हैं आप लोगों को क्या बनता है उधर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपना आइनॉक्स अशोक सिनेमा, यहाँ अपना रानी लगा दिए हैं, देख सकते हैं अपना स्कूटी लगा दिए। आप चलते हैं ऊपर की ओर, आप लोग ब्लॉग में बस बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही केपी मॉल ऊपर में और ये बगल में अशोक आइनॉक्स लोगो लगा हुआ है। तो बस यही स्मार्ट बाजार भी है इसमें, इसी मॉल में ऊपर में 4th फ्लोर पर अपना सिनेमा हॉल है। तो दोस्तों लिफ्ट से जा रहे हैं 4th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे केपी मॉल के आइनॉक्स अशोक है, आप लोग याद रखिएगा ये। तो दोस्तों देख सकते हैं यार, आइनॉक्स का बाहरी परिसर यार, यहाँ पे बैठने उठने का। इधर देखिए कुछ अपना खाने पीने का एरिया है अपना भाई, पॉपकॉर्न वगैरह का। और स्क्रीन अपना किधर है सो देखते हैं यार, थर्ड स्क्रीन पर अपना, थर्ड या सेकेंड स्क्रीन चल रहा है। ये देखिए भाई, स्त्री का पोस्टर छोटा सा बनाता सर। ये तो आइनॉक्स हम लोग आए हैं मूवी देखने, कैसा लगने वाला है आज? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप स्त्री 1 तो नहीं देखे हैं, कैसे बताएं? स्त्री 1 तो नहीं देखे, समझ में नहीं आएगा। हम देखे हुए गाइस, मेरा फर्स्ट मूवी था जैसे कि आपको बता चुके, जो कि हमने हॉल में देखा था, वो देखे थे फन सिनेमा रिजेंट में। आज थोड़ा महंगा वाला में आए आइनॉक्स में। तो देख सकते हैं गाइस अपना ये स्क्रीन में है, अभी क्लोज किया हुआ है क्योंकि 4:25 में है। और अभी देखिए टाइम कितना हो गया है, 4:10 हो गया है, मतलब 15 मिनट पहले आ गए हैं। 15 मिनट बाद खुलेगा, ओपन द डोर होगा 15 मिनट बाद। समोसा टी पॉपकॉर्न ये सारे का स्टोर है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इसके बगल में पॉपकॉर्न समोसा ये सारे चीज़ आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं यार, देख सकते हैं। ठंडा वंडा सारा चीज़ पीना पी सकते हैं। और ये आइसक्रीम के लिए, शुरू में आपको आइसक्रीम के लिए मिलेगा गाइस, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छा बना रखा है यार अशोक आइनॉक्स। थोड़ा टाइम है गैस अभी खुलने में, तो इधर अपना तब तो लोग चिल कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना सिनेमा हॉल खुल चुका है यार, भाई साहब ये रहा स्क्रीन। और अपना टिकट ऊपर की ओर कहीं पर है, देख सकते हैं ये, यहाँ से देख सकते हैं गैस आइनॉक्स सिनेमा का। आप ओवरव्यू पीछे से पूरा सिटी है, और ये अपना सामने बड़ा सा स्क्रीन, इसी पर मूवी देखना है आज गैस। भाई कैसा लग रहा है स्क्रीन? स्क्रीन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे यार 4:40 हो गया है, मतलब ट्रेलर दिखाया जा रहा है, मूवी कहीं स्टार्ट कर रहा है यार। और इसी चल स्टार्ट कर जा। तो दोस्तों फाइनली स्त्री 2 मूवी स्टार्ट होने वाला है अब। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है स्त्री 2। और फर्स्ट हाफ में तो सरकते का जबरदस्त आतंक चल रहा है दोस्तों, जबरदस्त आतंक चल रहा है। और फर्स्ट हाफ में कॉमेडी ही बहुत ज्यादा था, अब सेकंड हाफ में देखते कैसा लगता है यार, बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ गया है। एकदम जबरदस्त मूवी है, एकदम अच्छे से डायरेक्ट किया है यार, मजा आ रहा है। राजकुमार राव तो हिला रहा है, उसके दोस्त का जो रोल किया है अपार शक्ति खुराना और एक अभिषेक नाम है शायद उनका, वो भी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। पंकज त्रिपाठी का तो बात ही अलग है यार, एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है यार। आप लोग भी आइए एक्सपीरियंस कीजिए यार, बहुत मज़ेदार लग रहा है। सेकंड हाफ चलते हैं देखते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। इंटरवल हो गया, सारे लोग आ गए पॉपकॉर्न मार्केट में भाई। तो भाई जी कैसा लग रहा है अभी तक फर्स्ट हाफ में? मूवी तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, सरकते का आतंक कैसा लग रहा है? सरकते के आतंक में जो सस्पेंस है, कोई पुरानी कहानी लग रहा है, राजा महाराजा वाला। सरकटे नहीं, नहीं राजा महाराजा वाला नहीं है, स्त्री 1 आपने देखे हैं, मतलब स्त्री 1 में था स्त्री का आतंक और इसमें है सरकटे का आतंक। तो आप लोग आइएगा तो देखिएगा कि इसमें स्त्री को कैसे बुलाया जाएगा इस सरकटे से बचने के लिए। और ये सरकटे का तो भाई लुक बढ़िया है यार, राजा महाराजा वाला नहीं, तो मुखिया वगैरह है उसका, मुखिया कहानी नहीं। सरकटे जो है गाइस उसका मतलब काफ़ी खूंखार बनाया है यार, मतलब देखिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। वो लोग लंबा भी काफ़ी है और सर तो कटा हुआ है उसका, तो आप लोग एक बार आइए एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत मज़ा है। अभी फर्स्ट हाफ में मज़ा आ गया एकदम। सर सर कटा का जो चेहरा बनाया है काफ़ी डरावना है, काफ़ी डरावना है नहीं
काफ़ी मस्त है यार। अब सेकेंड हाफ देखते हैं क्या होता है यार, उसके बाद आप लोग को तो हम बताएंगे। ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, इसमें मज़ा आ रहा है। अब होगा आखिरी बेटा। ओ तो मूवी खत्म हो चुकी है फाइनली गाइस, एक नंबर थी, जबरदस्त यार, कॉमेडी प्लस हॉरर। अब पवन सिंह का गाना का वेट हो रहा है। ओ तो दोस्तों फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है और हम लोग घर को प्रस्थान करने वाले हैं। तो भाई जी कैसा लगा मूवी, रिव्यू दो। मूवी अच्छा मूवी है। हाँ पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। काफ़ी खतरनाक एक्टिंग किया है गाइस, और काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी है मूवी में, आप देखिएगा तो आपको स्पॉइलर नहीं देना है, काफ़ी सरप्राइजेस हैं। और लास्ट में ये भी दिखाया गया कि इस फ्रेंचाइजी का अगला फिल्म कौन सा आ सकता है, ये भी दिखाया गया। और इसमें एक बड़ा सुपरस्टार भी है। हाँ एक सुपरस्टार की एंट्री होगा, वो भी सर स्पॉइलर नहीं देंगे भाई, आप लोगों को पहले से मालूम होगा तो अलग बात है। और गाना पवन सिंह का यार लास्ट में दिया यार, खत्म होने के बाद पवन सिंह का गाना बीच में रखना चाहिए था, मज़ा वैसे गाना सुन के हॉल में मज़ा आ गया, एकदम भाई बताया यार अनेक्स में। तो मेरे लिए फिल्म है 5 में से 4 स्टार। आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। आज के लिए ब्लॉग से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय गाइस।